जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से आज हम मिश्रण के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 12। मान लीजिए प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में दो पात्रों में स्प्रिट व पानी के मिश्रणों का अनुपात सात अनुपात दो व सात अनुपात ग्यारह है। एक प्रयोगशाला में दो पात्रों में स्प्रिट व पानी के मिश्रणों का अनुपात सात अनुपात दो व सात अनुपात ग्यारह है। एक तीसरे पात्र में इन दोनों मिश्रणों की बराबर मात्राओं को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, एक प्रयोगशाला में दो पात्रों में स्प्रिट व पानी के मिश्रणों का अनुपात सात अनुपात दो व सात अनुपात ग्यारह है। हमारे पास यहां पर दो पात्र है। पहले पात्र में स्प्रिट व पानी के मिश्रण का अनुपात है सात अनुपात दो तथा दूसरे पात्र में स्प्रिट व पानी के मिश्रण का अनुपात है सात अनुपात ग्यारह। अब इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में बराबर बराबर मात्राओं में मिलाया गया। लिखा एक तीसरे पात्र में इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर मात्राओं में मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। इन दोनों ही मिश्रणों को बराबर बराबर मात्रा में लिया गया और मिलाकर तीसरे पात्र में एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो मिश्रणों को बराबर बराबर मात्राओं में मिलाया जा रहा है, तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफोर पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बराबर
पहले मिश्रण में हम स्प्रिट की मात्रा हम निकालेंगे, पहले मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात है 7:2, तो पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी 7/7 और 2 9 अनुपाती योग 9 इकाई व पहले मिश्रण में, यहां पर हमने निकाला पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा निकाला है 7/9 इकाई, पहले मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी, पानी के लिए अनुपात है 2/7 और 2 9 इकाई। तो इस प्रकार से पहले मिश्रण में हमने स्प्रिट की मात्रा निकाल लिया 7/9 इकाई, पहले मिश्रण में इस पानी की मात्रा निकाला 2/9 इकाई। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं दूसरे मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात है, पानी का अनुपात है 7/11, तो स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी 7/7 और 11 को जोड़ेंगे तो यह जगह 18 इकाई। इसी प्रकार से दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर होगा 11/18 इकाई, 11/18 इकाई। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर दोनों ही मिश्रणों को बराबर बराबर मात्राओं में मिलाया जा रहा है, तो जब दोनों को बराबर बराबर मात्राओं में मिलाया जा रहा है तो यहां पर पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का स्प्रिट को हम मिलाएंगे तो देयरफोर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बराबर हो जाएगी, पहले मिश्रण में स्प्रिट है 7/9 इकाई प्लस दूसरे मिश्रण में स्प्रिट है 7/18 इकाई। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 18, 9 × 2 = 18 तो यह हो जाएगा 7 × 2 = 14 प्लस 18 से 18 कटेगा यह आएगा 7, तो यहां जाएगा अल्टीमेटली 21/18 यहां आएगा 21/18 यहां आएगा आपका 21/18। आप इसे काट सकते हैं 3 × 7 = 21 × 3 = 18 अर्थात 7/6। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं तीसरे मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर, पहले मिश्रण में पानी की मात्रा है 2/9 प्लस दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा है 11/18 यहां एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 18, 9 × 2 = 18 दो आएगा 2 × 2 = 4 प्लस 11 11 और 4 = 15/18 3 × 3 = 15 × 3 = 18 अर्थात यह आएगा 5/6। आगे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी में हम आगे लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर हमें अल्टीमेटली निकालना है कि तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा, तो देयरफोर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात, स्प्रिट अनुपात पानी, स्प्रिट व पानी का अनुपात बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा निकल रही है 7/6 इकाई अनुपात, तीसरे मिश्रण में पानी की मात्रा निकल रही है 5/6 इकाई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 7/6, ये अनुपात का मतलब है भागित, भागित को गुणित में बदलेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चलेगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, 6 से 6 कटेगा तो यह आ गया 7/5 अर्थात तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात होगा 7/5।
5। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक प्रयोगशाला में दो पात्रों में स्प्रिट व पानी के, यहां पर स्प्रिट के जगह कुछ भी हो सकता है, पानी की जगह कुछ भी हो सकता है, स्प्रिट व पानी के मिश्रणों का अनुपात 5:3 5:3 2:3 है। एक तीसरे पात्र में इन दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर मात्राओं को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी 5/8 इकाई। पहले मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाएगी 3/8 इकाई। इसी प्रकार से दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी 2/5 इकाई। इसी प्रकार से दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाएगी 2 और 3 दिया है तो 3/5, 3/2 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5 इकाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा आ जाएगी, यहां पर दोनों के स्प्रिट को हम जोड़ देंगे 5/8 + 2/5, यहां पर एलसीएम आएगा 40 + 25 + 8 × 16, तो यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 1 = 41/40। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हो जाएगी 41/40। तीसरे मिश्रण में पानी की मात्रा ये हो जाएगा, यहां पर पानी है, पहले वाले में पानी है 3/8 और दूसरे वाले में पानी है, दूसरे मिश्रण में पानी है 3/5। एलसीएम आएगा आपका 40, 8 × 45, तो ये हो जाएगा 5 × 15 + 8 × 24, तो ये हो जाएगा आपका 39/40। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बराबर होगा, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 41/40 अनुपात, तीसरे मिश्रण में पानी की मात्रा है 39/40। यहां पर 41/40 अनुपात का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 40 ऊपर चल जाएगा, 39 नीचे आ जाएगा, 40 से 40 कटेगा तो यह आ जाएगा अल्टीमेटली 41:39। अर्थात तीसरे मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात 41:39 होगा।